आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कमाल के कीबोर्ड के बारे में। तो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी मेरे दोस्त भाई चैनल टॉप फॉर यू पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है क्रूमा की आपने डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद आपने इसे क्या करना है, ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे सिंपली ओपन करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्रूमा की ओपन हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से सेटिंग्स में से जाके क्रूमा की को अनेबल करना है। अब अनेबल करने के बाद आप आगे आगे चलते जाएँ, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसे चूज़ कर लेना है कि उसके बाद यहाँ से हमने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद यहाँ से हमने इसको कुछ परमिशन ये मांगेगा वो दे देनी है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे यस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें आगे ये ऑप्शन देगा कि आप मतलब काफ़ी इसमें सेटिंग है, ऑटो कैपिटलाइजेशन, उसके बाद बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ये आपको बताएगा। आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें मुझे उर्दू कहीं देखने को नहीं मिली। बहरहाल चलो, कोई बात नहीं, उर्दू अगर होती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। अब दोस्तों, आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। अब दोस्तों, आप लोग पूछेंगे कि यार इसमें ऐसा खास क्या है जो दूसरे कीबोर्ड में नहीं है, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों, इसका जो सबसे मुझे अच्छा फीचर लगा है वो ये है कि आप जब भी किसी ऐप में जाके इस कीबोर्ड को ओपन करेंगे, ये जो उस ऐप के लोगों का कलर होगा वो कलर अडाप्ट कर लेता है। जैसे आपने देखा MX प्लेयर में इसने ब्लू किया, अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसने ग्रीन कलर अडाप्ट कर लिया। अब दोस्तों, इसी तरह आप जिधर भी जाएंगे, मतलब किसी भी और यहाँ पर अब हम जाते हैं कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि इस कीबोर्ड में ये खास बात है। उसके बाद दोस्तों, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं। आपने यहाँ ऊपर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इमोजीज़ आपको ऐसे ही एज इट इज़ मिलती हैं जैसे कि आपको दूसरे कीबोर्ड्स में देखने को मिल जाती हैं, तो इमोजी वाला वही सेम ऑप्शन है। उसके अलावा जो दोस्तों इसमें अच्छी चीज़ें हैं मुझे लगी है, वो इसमें आपको गिफ्ट देखने को मिलते हैं, यानी आप इसमें अपनी मर्ज़ी के गिफ्ट सेंड कर सकते हैं। अभी मैंने इंटरनेट कनेक्शन ऑफ किया हुआ है, आप जब ऑनलाइन हो गए यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट देखने को मिलते हैं, और आप गिफ्ट किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ये दोस्तों एक अच्छी चीज़ है इसमें। अब दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें आपको अटैचमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।